My last lecture, I had already taught you regarding the concept of self-induction. हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ रहे थे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने फैराडेस लॉ, लेंज लॉ, वह सारी बात समझ ली थी. हमने इमोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओरिजिन ऑफ इमोशनल ईएमएफ, ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यह सारी बात समझ ली थी. और हमने एक कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन भी समझ लिया था कि एक इंडक्टर कॉइल हो या एक सोलेनोइड कॉइल हो, जब उसमें करंट होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब करंट चेंज होता है, व्हेनेवर द करंट चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, एंड ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एंड दैट इज सेल्फ इंडक्शन. और सेल्फ इंडक्शन को हमने बड़ा एलाबोरेट में समझा था, उसके अलग अलग एस्पेक्ट को समझे थे हमने. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी इंडक्टर कॉइल के लिए, उसकी डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, वह सारी बातें नोट डाउन करी थी. फिर एक इंडक्टर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर दिया था, और एक इंडक्टर कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिख लिया था. और इंडक्टर कॉइल जब सीरीज में कनेक्ट की जाए या पैरेलल में कनेक्ट की जाए तो ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर भी हमने समझ लिया था. नाउ टुडे वील प्रोसीड विद इलेक्ट्रो विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फिनिश इट. द लास्ट आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. Mutual induction. देखिए, the basic concept is, just imagine a situation कि एक क्लास में we have got two friends, दो मित्र हैं, और एक friend काफी studious है, और एक friend दिमागदार तो है मगर वो पढ़ाई में दिमाग लगाने के बजाय मस्ती में दिमाग लगाता, और दोनों साथ में बैठकर क्लास में लेक्चर अटेंड करते. दे वुड बी अ फिनामना. दो तरह के फिनामना इस जगह पर देखे जाते हैं. एक फिनामना यह भी होता है कि जो स्टूडियस पर्सन है वो इंड्यूस होता है उस मस्ती करने वाले पर्सन से. वो जब उसको मस्ती करते देखता है तो उसको भी मस्ती करने की इच्छा होती है. एक यह फिनामना होता है, और दूसरा एक और फिनामना होता है कि उस स्टूडियस बंदे को देखकर वो जो मस्ती करने वाला बच्चा है कई बार वो अपनी मस्ती भूलकर वो भी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगता है. दिस समथिंग वी कॉल इट म्यूचुअल इंडक्शन. दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं. स्टूडियस पर्सन दूसरे पर्सन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वो जो नॉटी पर्सन है वो एक स्टूडियस पर्सन को वो उसको पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करता है. दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन. और कुछ इसी तरह का फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी में होता है. देखिए, यह एक इंडक्टर कॉइल है, एक सोलेनॉइड है, एंड इट्स अटैच विथ अ गैल्वेनोमीटर. इस तरह से इसके बगल में एक और हम इंडक्टर कॉइल रख देते हैं. दिस इज अनदर इंडक्टर कॉइल, और नाउ दिस इज अटैच विथ अ बैटरी. And a key. Now just imagine this situation कि इस इंडक्टर कॉइल में किसी तरह का कोई EMF सोर्स नहीं है, कोई करंट सोर्स नहीं है. एक गैल्वेनोमीटर है which would detect the presence of current.
यदि इसमें कोई करंट हुआ तो गैल्वेनोमीटर निडल में डिफ्लेक्शन होगा एंड दैट वुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी करंट इन द कॉइल। और इस जगह पर एक ईएमएफ सोर्स है, एक की है, राइट नाउ इट्स ओपन। नाउ इफ आई क्लोज द की, जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूं, की को क्लोज करते से ही इस कॉइल के अंदर करंट डेवलप होगा और इस कॉइल के अंदर करंट के डेवलप होने से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से डेवलप होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड व्हेन की इज क्लोज। जैसे ही इस की को क्लोज करा गया, यह मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप। इस सिचुएशन में करंट को बढ़ने में इट टेक फाइनाइट टाइम टू डेवलप द अल्टीमेट और द ग्रेजुअल वैल्यू ऑफ द करंट। इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। सिंस करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, मैग्नेटिक फ्लक्स इट ऑल्सो इंक्रीजेस ग्रेजुअली विथ टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू सम फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। That finite and maximum value of current would be developed after infinite time. अब जब इसमें magnetic flux develop होएगा और magnetic flux इस तरह से एक closed loop बनाएगा, कुछ magnetic flux तो ऐसा होगा जो इस तरह से छोटे से closed loop में होगा और कुछ magnetic flux ऐसा भी होगा जो इस coil में current की वजह से डेवलप हुआ है, जनरेट हुआ है और इस कॉइल के एरिया के बीच से पास होता हुआ इस तरह से क्लोज्ड लूप बना रहा है। इस वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इट्स चेंजिंग विद टाइम। टाइम के साथ इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। की के क्लोज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। Now this coil would oppose this increasing flux. ये जो flux increase हो रहे हैं, यह coil इस बढ़ते हुए flux को oppose करेगी। And in order to oppose those flux, यह coil अपने अंदर एक current develop कर देगी। And that current would be developed such that flux due to that current would be in opposing direction. This coil would oppose the increasing flux into it, and in order to oppose that increasing flux, it developed the current in it so as to जनरेट फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट इस तरह से इसमें भी डेवलप हो जाएगा और इसकी वजह से करंट इस तरह से इसमें डेवलप हो जाएगा, फ्लक्स इस तरह से डेवलप हो जाएगा। हमने बैटरी के द्वारा की जब क्लोज करी तो करंट इसमें फ्लो करवाया था और इस कॉइल में करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगा। यह गैल्वेनोमीटर एकदम से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। खास बात, इस कॉइल का बढ़ता हुआ करंट वो इस कॉइल में करंट को बढ़ा रहा और इस कॉइल का जीरो करंट वह इस कॉइल में बढ़ते हुए करंट को रोक रहा है। इस तरीके से वहां पर इंडक्शन होगा। इनफैक्ट
फैराडे ने और लेंज ने इनिशियली जो एक्सपेरिमेंट करे थे और इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन से जो इंडक्शन फिनोमेना को समझा था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का ही एक्सपेरिमेंट करा था। और इसी कंसेप्ट को अब हम डिटेल में थोड़ा समझना चाहते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ी मैथमेटिक्स समझना था। अब हम कहते हैं लेट अस से दिस इज कॉइल वन, इसे मैं कॉइल वन कह देता हूं और इसे मैं कॉइल टू कह देता हूं। इधर मैं एक बात और स्पेसिफाई कर दूं, जैसे ही मैंने की क्लोज करी थी, की क्लोज करते से ही जब करंट बढ़ रहा था, जिस समय पर करंट बढ़ रहा था उस समय पर इसमें करंट इस कॉइल में दिखाई देगा, मगर जब इसमें करंट बढ़ के मैक्सिमम हो गया और इसमें करंट का इंक्रीमेंट बंद हो गया, फ्लक्स का चेंज बंद हो गया, तो इसके अंदर भी फ्लक्स का चेंज बंद हो जाएगा, इसके अंदर भी करंट दिखाई देना बंद कर देगा। आई मीन टू से जैसे ही आपने की को क्लोज करा, की के क्लोज करते से ही एक इंस्टेंट के लिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल आपको डिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, विच सजेस्ट दैट देयर वॉज करंट फॉर इंस्टेंट इन द कॉइल। इसी तरह से जैसे ही आप की को ओपन करेंगे, की को ओपन करते से ही इस कॉइल के अंदर जो करंट है वह मैक्सिमम वैल्यू से कम होकर जीरो होगा। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू से कम होकर जीरो होगा तो इसके अंदर फ्लक्स भी मैक्सिमम वैल्यू से कम होकर जीरो होगा। ऐसी कंडीशन में इस कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स भी मैक्सिमम से जीरो पर आएंगे, और जब इस कॉइल के अंदर फ्लक्स कम होंगे तो कम होते हुए फ्लक्स की वजह से वंस अगेन इस कॉइल के अंदर करंट होगा, मगर इस बार करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम कहते हैं इफ पाई इज फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल वन लिंक्ड विथ कॉइल टू, पाई इज फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल वन एंड पासिंग थ्रू कॉइल टू, वी ऑल्सो कॉल इट लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस वुड बी ऑल्सो कॉल्ड लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल वन के कॉइल टू के साथ में लिंक्ड है। अब एक बात पक्का है, कॉइल वन में जितना ज्यादा करंट होगा, आई इज करंट इन कॉइल वन, आई इज करंट इन कॉइल वन, अब कॉइल वन में जितना ज्यादा करंट होगा उतने ही ज्यादा फ्लक्स कॉइल वन के द्वारा जनरेट होंगे और उतने ही ज्यादा फ्लक्स कॉइल टू से पास होंगे, उतने ही ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होंगे। हम कहते हैं लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। The more the current in coil 1 is, the more would be the magnetic field due to coil 1, the more would be the magnetic flux generated by coil 1, and the more would be the flux passing through coil 2, or the flux linked with coil 2. So, flux linked with coil 2 is directly proportional to current in coil 1. Hum proportionality sign hatate hain, क्वालिटी साइन और साथ में एक कांस्टेंट जिसको हम एम से डिनोट करते हैं।
phi is equal to mi. Here this m is termed as coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. One can always define coefficient of mutual induction as, if current is 1 ampere, flux linked would be M. I define it like this, its flux linked between the two coils when current in a coil is 1 ampere. जब किसी एक कॉइल में करंट 1 एम्पियर हो जाए, ऐसी कंडीशन में जितने भी फ्लक्स दोनों कॉइल में लिंक्ड हैं, दैट इज टर्म्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. वंस अगेन इट्स गिवन इन हेनरी, इट्स गिवन इन हेनरी, इसकी भी यूनिट हेनरी ही है. एंड once again, 1 Henry can be defined as, if linked magnetic flux is 1 ampere, यदि linked magnetic flux 1 ampere हो जाए, current in one coil is 1 ampere and linked magnetic flux is 1 V bar, then coefficient of mutual induction is termed as 1 Henry. If current in a coil is 1 ampere and linked magnetic flux is 1 V bar, in that case, coefficient of mutual induction between the two coils is termed as 1 Henry. Now, we used to say, जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होएगा. फ्लक्स के चेंज होने से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा और लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा. आई कैन ऑलवेज राइट द expression for EMF, induced EMF in coil 2, if E is EMF induced in coil 2 due to changing current in coil 1, due to changing current in coil 1. Coil 1 में जब current change होगा तो coil 1 में current के change होने से coil 1 से generate होने वाले flux change होएंगे. और जब coil 1 से जनरेट होने वाले फ्लक्स चेंज होंगे तो कॉइल 2 के साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वह भी चेंज होंगे और जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो वहां ईएमएफ जनरेट होगा. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दिस ईएमएफ जनरेटेड इज माइनस डी फाई बाय डी टी. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जैसे जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स would be the induced EMF generated, or this is equal to minus d by dt of mi. And you finally write induced EMF generated in coil 2 is minus m into
डी आई बाय डी टी आई विल राइट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस मैनर वी यूज्ड टू से E is EMF induced in the coil when the rate of change of current in coil 1 is di by dt. Di by dt is rate of change of current in coil 1 and E is induced EMF in coil 2 and here M is coefficient of mutual induction. From here once again I can redefine coefficient of mutual induction. आप इधर एक बात देखें, सारे expression almost similar है. एक single coil के लिए जिस तरह से coefficient of self induction होता है, ऐसे ही दो पास पास में रखी हुई coil के लिए coefficient of mutual induction हमें दिखाई दे रहा. दोनों का unit बिल्कुल same है, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल सेम है, दोनों के यूनिट्स बिल्कुल सेम होंगे और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होगा. मैं इसी समय कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को रीडिफाइन करता हूं. इफ डी आई बाय डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड देन इंड्यूस ईएमएफ would be equal to coefficient of mutual induction. Let me redefine. Let me give the statement. Coefficient of mutual induction is the EMF induced in a coil when rate of change of current in another coil is 1 ampere per second. Coefficient of mutual induction is the EMF induced in a coil. Coefficient of mutual induction is EMF induced in a coil when rate of change of current in another coil is 1 ampere per second. Negative sign simply suggests us that the EMF would be induced so as to oppose this changing current. यह जो negative sign है इसका सिर्फ यह मतलब है कि EMF हमेशा उस direction में develop होता है जिससे कि इस बढ़ते हुए current को या घटते हुए current को या change होते हुए current को oppose करा जा सके, उस change को oppose करा जा सके. Once again from here I may redefine 1 हेनरी. हम 1 हेनरी को रिडिफाइन कर सकते हैं. इफ डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1 वोल्ट. डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1 वोल्ट. इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज टर्म्ड एज 1 हेनरी. इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट in a coil is 1 ampere per second and EMF induced in another coil is 1 volt. In that case, the coefficient of mutual induction between the two coils is termed as 1 Henry. Let me redefine. If rate of change of current in a coil is 1 ampere per second,
and due to that EMF induced in another coil is 1 volt. In that case, उन दोनों coil के बीच में the coefficient of mutual induction between the coil is termed as 1 Henry. अब इधर एक बात और हम बता दें, definitely the coefficient of mutual induction and its value, ये जो mutual induction है, coefficient of mutual induction, हम जिसको हम denote कर रहे हैं, it depends on three factors. It would depend on the shape, size and the geometry of the two coils. उन दोनों coil की shape, size, geometry पर तो निर्भर करेगा ही. Beside it, it also depends on the separation between the two coils and the relative position of the two coils. उन दोनों coil को एक दूसरे के साथ कितनी दूरी पर रखा जा रहा है और रिलेटिवली किस तरह से किस पोजीशन पर रखा जा रहा है, इस बात पर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निश्चित डिपेंड करेगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू कॉइल्स. सो अल्टीमेटली देयर आर द थ्री फैक्टर्स. पहला फैक्टर दोनों ही कॉइल का शेप साइज ज्योमेट्री, दोनों ही कॉइल का शेप साइज ज्योमेट्री. जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट म्यू आर इनटू पाई आर स्क्वायर एल इनटू एन स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर एल क्या हो गया, आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ, तो वो साइज और शेप पर, और म्यू आर इज द मीडियम प्लेस्ड इन द कॉइल. इसी तरीके से अभी हम नोट करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. एक तो शेप साइज ज्योमेट्री उन दोनों ही कॉइल की, द सेकेंड फैक्टर इज द रिलेटिव डिस्टेंस एंड द रिलेटिव पोजीशन, एंड द थर्ड फैक्टर इज द मीडियम केप्ट बिटवीन द टू कॉइल्स. देखिए मैं दो फिक्स तरह की कॉइल लेता हूं और उन दोनों को अलग अलग तरीके से रख के दिखाता हूं.